मॉर्निंग, माई सेल्फ हिना गुप्ता, प्रयाग आईटीआई के इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है पाइप एंड फिटिंग। पाइप फिटिंग, कल मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ाया था, पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में। आज मैं उसके बारे इस पर डिस्कस करूंगी। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उस पर रिविजन कर लेते हैं। तो पाइप यूज का मतलब, पाइप का यूज हम क्यों करते हैं? किसी पदार्थ, तरल पदार्थ, ठोस या द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम पाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने पढ़ाया था कि पाइप में कुछ अवयव जैसे कि हमारा सॉकेट हो गया, एल्बो हो गया, टी हो गया, उसके यूजेस मैंने बताया था कि कैसे क्या होता है। तो पाइप का तो हम जानते हैं, पाइप का यूज हर चीज में आजकल हो रहा है। जैसे कि हम ले लें, अगर अपने घर की वायरिंग की ले लें तो बिजली की तार के भी वायरिंग में हमें पाइप की जरूरत पड़ती है। नल के पानी के वायरिंग के लिए भी हमें पाइप की जरूरत पड़ती है। कहीं जो सीवर लाइंस के लिए भी पाइप होती है, तो बहुत टाइप्स के पाइप भी होती हैं। लेकिन किसी पदार्थ को, विशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी हमें पाइप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि केमिकल प्लांट हो गया, कहीं कोई कंपनी हो गई, तो वहां पर जो चीजें लिक्विडें होती हैं, अच्छी या मतलब खराब या फिर जैसे विशिष्ट पदार्थ है, तो उसको बाहर करने के लिए भी हम पाइप का यूज करते हैं। तो ऐसे पाइप का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो कुछ अवयव भी हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पाइप के, पहले हम पाइप के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, पाइप का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि किसी तरल पदार्थ में ठोस या गैस को किसी एक बंद स्थिति से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने कल भी बताया था, जिन्होंने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी हो वो कल की वीडियो देख लें। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ पाइप, टाइप्स ऑफ पाइप। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि बहुत से टाइप्स के पाइप होते हैं और हर टाइप्स के पाइप का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग जगह यूज होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो मैं लगभग कोशिश करूंगी कुछ जितना हो सके मैं आपको बता दूंगी। तो आते हैं अपने पहले नंबर पे, हम कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप, तो कास्ट आयरन पाइप है, इसका उपयोग सामान्यतः पानी सप्लाई में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग समानता पानी की सप्लाई में किया जाता है, कास्ट आयरन पाइप, इनका इसका उपयोग समानता पानी सप्लाई में किया जाता है। क्लियर है? दूसरा, रोट आयरन पाइप। रोट आयरन पाइप, रोट आयरन पाइप, इसका प्रयोग भाप एवं अधिक दबाव वाले तरल पदार्थ में किया जाता है, पदार्थ में किया जाता है। ठीक है, रोट आयरन पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग भाप एवं अधिक दबाव वाले तरल पदार्थ में किया जाता है। जैसे कि केमिकल प्लांट हो गया, कोई केमिकल मशीन जो मतलब कि कंपनीज होती हैं, वहां पे इसका यूज होता है। तो अधिक दबाव वाले तरल पदार्थ में किया जाता है, जिसका प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तीसरा, गैल्वेनाइज्ड। नाइज
गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, इसको हम जीआई भी कहते हैं, ठीक है, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, क्लियर है। तो इसके हम लिख सकते हैं रोट आयरन के पाइप पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है, तब इसे गैल्वनाइज्ड, तो तब इसे गैल्वनाइज्ड नाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। अब इसमें जिंक की परत चढ़ाने का क्या मतलब क्या बेनिफिट है हमारा, जिंक की परत जब चढ़ाई जाती है तो पाइप में जंग नहीं लगती, पाइप में जंग नहीं लगती, ठीक है। इसके आगे हम लिख देते हैं, लिखे ना लिखे, जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि इसमें जो हमारा जिंक की परत चढ़ाई इसलिए जाती है ताकि पाइप में जंग ना लगे, क्लियर है आप लोग को। गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप क्या है, रोट आयरन के पाइप पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तब इसे गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप का बेनिफिट क्या है जिंक की परत चढ़ाने से, कि इसमें जंग नहीं लगती है, क्लियर है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चौथा हमारा हो जाएगा स्टील पाइप। स्टील पाइप अधिक दबाव सहन कर सकती है, यह पाइप अधिक दबाव सहन कर सकती है, कर सकती है, इसलिए इसका प्रयोग प्रयोग पानी सप्लाई के मुख्य लाइन में किया जाता है, पानी सप्लाई के मुख्य लाइन के रूप में किया जाता है, किया जाता है, क्लियर है। स्टील पाइप, यह पाइप अधिक दबाव सहन कर सकती है इसीलिए इसका प्रयोग पानी सप्लाई के मुख्य लाइन के रूप में किया जाता है, मतलब जहां से हमारा जो पानी की सप्लाई की मेन जहां से किया जाता है वहां पे स्टील की पाइप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां से आता है तो उसके बाद कई जगह सप्लाई जाती है, जैसे हम कहीं अपने पानी का कनेक्शन लेते हैं तो वहां से भी हमें कहीं मेन पाइप आती है, तो वहां से हम बहुत घरों में सप्लाई जाती है, तो जो मेन होता है वहां स्टील की पाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे पाइप की टाइप्स तो बहुत है लेकिन मैं बस कुछ ही बताऊंगी, और उसके बाद मैं कभी अगर मुझे इस पे अगर आप लोग कहेंगे कमेंट कहेंगे तो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं सिर्फ पाइप के टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो अगला है हमारा प्लास्टिक पाइप। अब इसके बारे में तो सबको पता होगा फिर भी मैं बताती हूँ, प्लास्टिक पाइप हल्के एवं सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है,
ठीक है। प्लास्टिक के पाइप हल्के एवं सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है, ठीक है। अब प्लास्टिक का पाइप सबके घर में देखा ही होगा, सबने वायरिंग होती ज्यादा प्लास्टिक का पाइप यूज किया था, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं और हल्के भी होते हैं। तो क्लियर है, चलिए अपने नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ब्रास पाइप या पीतल के बने होते हैं। इनका प्रयोग हवाई जहाज में सामान्यतः होता है। क्लियर है। ब्रास पाइप या पीतल के बने होते हैं, इनका प्रयोग हवाई जहाज में समानता होता है। हवाई जहाज जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक और होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाइप। यह एल्युमिनियम के बने होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। इसका प्रयोग भी हवाई जहाज तथा पानी वाले जहाज में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम पाइप, यह एल्युमिनियम के बने होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, इसका प्रयोग भी हवाई जहाज तथा पानी वाले जहाज में होता है, ठीक है। प्लास्टिक का पाइप, ब्रास का पाइप, एल्युमिनियम पाइप, आयरन पाइप, रोड आयरन पाइप, और हमने पढ़ा गैल्वेनाइज्ड पाइप, ठीक है। चलिए एक दो टाइप्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके टाइप्स। हमारा नेक्स्ट है पीसीवी पाइप। एक मिनट, चलिए इसे मैं फुल फॉर्म देती हूँ, पॉली विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, ठीक है। पीसीवी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, पीसीवी का फुल फॉर्म इसका होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, ठीक है। इसका प्रयोग भी पानी के बहाव, पानी के सप्लाई में किया जाता है, ठीक है। तो लिख देते, इनका प्रयोग भी पानी के प्रवाह में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा हाई प्रेशर स्टीम और गैस पाइप, ठीक है। हाई प्रेशर स्टीम और गैस पाइप, हाई प्रेशर स्टीम और गैस पाइप, इसका प्रयोग गैस भाप या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है,
यह आता है। क्लियर है? इसका प्रयोग वहां पे गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। तो इतने टाइप्स मैंने बता दिए, नौ टाइप, बहुत से टाइप्स आपने, क्योंकि बहुत जगह बहुत से टाइप के पाइप का यूज होता है, तो बहुत ज्यादा है, तो मैंने मेनली जो था वो मैंने बता दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया था, कल मैं पढ़ाऊंगी इस पाइप टूल्स के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाइप टूल्स। ठीक है, आई होप टाइप्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब अपने बात है टूल्स पे। ठीक है, तो पाइप टूल्स से पहले हम देखिए पाइप फिटिंग के बारे में जानते हैं। पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग क्या है? दो या दो से अधिक असमान, मतलब समान पाइपों को एक साथ जोड़कर पाइपलाइन बनाने के लिए पाइप फिटिंग की जरूरत होती है हमें, है ना। जैसे मैंने कल बताया था, कुछ एल्बो लगाने के लिए पाइप को हम जोड़ते हैं, एल्बो टी हो गया इस चीज का। तो पाइप फिटिंग के लिए हमें पाइप फिटिंग के लिए हमें तीन चीजें करनी पड़ती हैं, कटिंग, थ्रेडिंग, बेंडिंग। कटिंग मतलब काटना, थ्रेडिंग मतलब चूड़ी, चूड़िया या चूड़ी, बेंडिंग मतलब मोड़ना। ठीक है, मोड़ना। किसी भी पाइप को फिट करने के लिए हमें या तो उसे काटना पड़ता है, कि उसमें चूड़ियां नहीं बनी होती हैं, चूड़ियां बनाना पड़ता है। बेंडिंग मतलब मोड़ना, कहीं पे हमको घुमाव चाहिए होता है, कहीं मोड़ना। तो इन तीन तरीकों से हम पाइप फिटिंग करते हैं। क्लियर है? तो अब हम इन सबको करने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम एक चीज और इस पर ध्यान रख सकते हैं, पाइप फिटिंग करने के लिए, पाइप फिटिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ा, तो पाइप फिटिंग करते समय में कुछ चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम पाइप जब चाहे तब मोड़ देंगे, जब चाहे तब काट देंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पाइप फिटिंग करते समय हमें तीन चीजें जरूरत पड़ती है, कटिंग, थ्रेडिंग एंड बेंडिंग, काटना, चूड़ी काटना या फिर मोड़ना। ठीक है, तो पाइप फिटिंग करते समय तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो हमारा पहला पॉइंट है, पाइप को एक मिनट, मिस्टेक हो गया, जिन जिस जिन दूसरा ने को जोड़ना है उनका मटेरियल सेम होना चाहिए। क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को? जिन पाइप को जोड़ना है उनका मटेरियल सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, पाइप में, रुके मैं मतलब कि पूरा इसको अरेंज करके तब बताती हूँ, ताकि मैं एक साथ बोल भी दूंगी। तो मेरा दूसरा पॉइंट है, पाइप को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले जोड़ का चयन, पाइप में प्रभावित होने वाले द्रव तथा गैस, उनके प्रेशर एवं पाइप के मटेरियल के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो हम पाइप को जोड़ बनाने जा रहे हैं, ज्वाइंट करने जा रहे हैं, तो उसमें जो हम प्रेशर या मतलब द्रव या गैस जा रहा है, जो उसका ज्वाइंट, तो ज्वाइंट ऐसा बनाए कि उस पर वो दबाव, जैसे कि हमने कम ज्वाइंट कर दिया है, कम उस पर प्रेशर ज्यादा है तो पाइप फट भी जाती है, तो उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है, जितना हमारा दबाव पड़ेगा उस पर मटेरियल, उसी के आधार पर होना चाहिए। पाइप को जोड़ने की प्रक्रिया, औजार का चयन पाइप मटेरियल के आधार पर करना चाहिए। मतलब मैंने बताया था कि पाइप का
बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ जैसे प्लास्टिक हो गया, आयरन को गया, पीतल को, कुछ सीमेंट्स की भी पाइप बनाई जाती हैं, तो कुछ, तो हर चीज पे वो औजार नहीं चलाए जा सकते हैं। तो उनका चयन जो है वो हम जोड़ने की प्रक्रिया और पाइप के मटेरियल के आधार पे करते हैं। जो जो चीजें, मतलब जो भी हम टूल्स अपना यूज करेंगे उसको हम, हमारे किस मटेरियल के पाइप है उस पे हम उसके हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि हर पाइप को हम एक ही इक्विपमेंट से नहीं काट सकते हैं, ठीक है, एक ही टूल से हम नहीं काट सकते हैं। तो उसके ये तीन पॉइंट्स था हमारा कि पाइप को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले जोड़ का चयन, पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव तथा गैस, उनके प्रेशर एवं पाइप के मटेरियल के आधार पर होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है पाइप को जोड़ने की प्रक्रिया एवं औजार का चयन पाइप मटेरियल के आधार पर करना चाहिए। इतना क्लियर है आप लोग को, समझ में आ गया? तो वीडियो आज काफी लंबी हो गई है, तो इतना काफी है आज आपके लिए। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि पाइप का हमारा जो टूल्स यूज करेंगे, तो मैंने तीन टाइप्स बताया था, कटिंग टूल, कटिंग्स, बेंडिंग और थ्रेडिंग, ठीक है। तो उनके टाइप्स के हम उनको ध्यान रखते हो, कल उनके हम टूल्स पढ़ेंगे उसके बारे में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैं पार्ट थर्ड में ले आऊंगी, ठीक है। और एक कमेंट था कि जो हमारा पाइप थ्रेडिंग होता है वो कितने एंगल पे होता है, तो वो होता है हमारा 55 से 60 डिग्री पे एंगल पे, ठीक है। जो थ्रेडिंग का क्वेश्चन एक किसी सर ने हमें कमेंट किया था कि उसकी थ्रेडिंग कितनी होती है, तो 55 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होती है। तो जिन लोगों का भी मेरे पास कमेंट आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, अगर कुछ कमी भी होती तो उसके लिए सॉरी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ऐसे। और जिनको पसंद है उनके लिए थैंक यू। और भी कोई चीज हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए कल आप लोग प्लीज रेडी रहिएगा, मैं अपनी थर्ड वीडियो ले आऊंगी जिसमें हम कटिंग टूल्स के और बेंडिंग टूल्स और थ्रेडिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।